हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं ये फास्फोरस की, बहुत सारी फॉर्म हैं जिसमें से वाइट, रेड एंड ब्लैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से भी वाइट रेड के डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो करते हैं इनको बिल्कुल सिंपल वे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, वाइट फास्फोरस हमें मिला करता है फॉस्फेट रॉक से, by heating phosphate rocks, and जो red phosphorus मिलता है वो हमें मिलता है by heating white phosphorus. Next हम बात करते हैं physical state की। तो white phosphorus एक soft waxy solid हुआ करता है जिसको easily काटा जा सकता है, and ये हमारा एक hard crystalline solid हुआ करता है red phosphorus। नेक्स्ट बात करें तो व्हाइट फास्फोरस हमारा एक पॉइजनस कंपाउंड है, पॉइजनस नेचर का होता है, व्हाइल रेड फास्फोरस इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करें तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो इनसोल्युबल होता है इन वॉटर, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड जो हमारे रेड फास्फोरस भाई साहब है वो दोनों में ही इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन वॉटर एज वेल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है पी फोर फॉर्म में कुछ इस तरह से, रेड फास्फोरस भी हमारा पी फोर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है बट ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है कुछ इस तरह से। ये ऐसे चेंज चलती चली जाती है, इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड ये वेरी गैस रिएक्टिव। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जब व्हाइट फास्फोरस को हम ट्रीट करते हैं रिएक्शन विद एयर तो ये भाई साहब हमारे बनाते हैं P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड विदाउट हीटिंग, बट रेड फास्फोरस की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, इस वजह से जब इसको एयर के साथ ट्रीट किया जाता है ये भी P4O10 बनाता है, बट कंडीशन ये रहती है कि उसको हमें हीट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद क्लोरीन या रिएक्शन विद हैलोजन, क्लोरीन कर लेते हैं हम लोग, तो ये बनाते हैं PCl3 एंड PCl5 विदाउट एनी हीटिंग ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। एंड इन भाई साहब की बात करें ये भी PCl3 PCl5 बनाते हैं बट आफ्टर हीटिंग, इनको हीट करना पड़ता है तभी ये कंपाउंड बन पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, तो जो मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है तो फॉस्फाइड बनाते हैं और ये उनके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है व्हाइट फास्फोरस के अंदर एंड रेड फास्फोरस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।